अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब के लिए कौन से एडिटर जो है उस पर वीडियो बना सकते हैं, कौन सा एडिटर जो है वो बेस्ट है यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंफॉर्मेशन टीवी सईद, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आसानी से मिल सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जाइए अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर टाइप करें KINE, ये वाला एडिटर जो है ये बेस्ट है, सबसे टॉप पर जो है ये वाला। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है और आप देख सकते हैं कि जो है 100 मिलियन डाउनलोड है, 2 मिलियन व्यूअर्स है। तो ये जो है ये बेस्ट वीडियो एडिटर है फॉर यूट्यूब और आपके चैनल के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला है, ये 100 मिलियन जो डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी, तो ये वाला बेस्ट वीडियो एडिटर है। तो चलो इसको ओपन करते हैं। ये आ गया हमारा एडिटर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि आपको न्यू प्रोजेक्ट बनानी है या न्यू वीडियो जो बनानी है, तो आप ये प्लस का जो एरो है मिडल में, आप ये दबाइए, ये वाला। यहाँ पर मेरे पास 3 रेशो है, 16.9, 9.16, 1.1। जिस रेशो पर आप चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन ये 16.9 जो है ये HD क्वालिटी है, इस पर आप वीडियो बनाइए इस वाले पर। तो हमने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडिटर है वो बिल्कुल ओपन है, रेडी है वीडियो एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ से, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है मीडिया जो है, सबसे पहले आपको मीडिया पर जाना है। अगर आप चाहे तो इस पर जो है बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड आप जो भी चाहे वो लगा सकते हैं। तो चलो बैकग्राउंड लगाते हैं इस पर। ये देखिए यहाँ ये है आपकी गैलरी, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड जो है वो अपने वीडियो के नीचे लगा सकते हैं। ये है हमारा वीडियो का बैकग्राउंड ये। इसके बाद दोस्तों आप इस पर क्लिक करें, इस पिक्चर पे, यहाँ से आप इसको जितना चाहे अपनी मर्जी से टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए टिक मार्क दबाइए ये वाला। इसके बाद आप इस पर जो वीडियो आपको बनानी है वो वीडियो उठा लें। मेरे पास अभी ऑप्शन है वॉइस ऑडियो मीडिया लेयर, तो आप ये वाला ऑप्शन दबाइए, लेयर वाला ये। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है इफेक्ट मीडिया ओवरले टेक्स्ट हैंड राइटिंग, तो आप ये वाला दबाइए मीडिया। मीडिया पर आने के बाद आपको जो वीडियो बनानी है जिस टॉपिक पर वो आप यहाँ से उठा लें। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये हमारी वीडियो आ गई यहाँ पर। यहाँ से आप इसकी साइज जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और जितना आप चाहे कम भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से।
ये आ गई हमारी वीडियो यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है वो में कोई कटिंग करना है तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं अपनी वीडियो को। एक बार प्ले ज़रूर कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने जो है वो सही वीडियो उठाई है या वीडियो सही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड कर। तो चलो हम इसको और वीडियो जो है वो उठाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों हमने एक वीडियो जो है वो उठा ली है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी वीडियो है जो यहाँ पर आ गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड मैंने लगाई है अभी, और इसके बाद मैंने नीचे वीडियो लगाई है। तो इसके बाद आप जाइए और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और बैकग्राउंड जो है वो इस पर छोटा है। तो यहाँ से आप इसको और फर्दर लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से आप देख, ये एडिटर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त एडिटर है पर यूट्यूब, ये आप देख सकते हैं। ये प्ले स्टोर से आप ईजली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये जितनी आपकी वीडियो है उतना ही आप बैकग्राउंड पर लगा लें। ये बैकग्राउंड जो है हमारा वो अभी कंप्लीट जो है वो वीडियो के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट वो पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पर वॉइस भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन एक बात आप नोट कर लें कि आपको जो है वो यूट्यूब का सॉन्ग या हिंदी वगैरह या कोई सा भी सॉन्ग आप इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो कॉपीराइट में आता है। तो आप जाइए यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आप ऑडियो लाइब्रेरी जो कि प्री कॉपीराइट है उससे आप इजीली जो है म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो दबाइए, ऑडियो दबाने पर ये आप देख सकते हैं कि ये है मेरे पास कुछ ऑडियोस। तो इस पर आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो कोई सा भी ऑडियो लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपको किसी दूसरे का कंटेंट या म्यूज़िक वगैरह जो है वो नहीं लगानी है क्योंकि वो, ये आप देख सकते हैं लास्ट समर एक सन जो है नो कॉपीराइट म्यूज़िक, ये मेरे पास मैंने डाउनलोड की है यूट्यूब से जो कि प्री कॉपीराइट है, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ ये वाला। इसका लगाने का तरीका ये है दोस्तों, ये मैंने जो सेलेक्ट किया है ये रेड हो चुका है लास्ट समर। इसके बाद दोस्तों आपको ये प्लस का निशान जो है वो दबाना है, ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो ऑडियो है वो मेरे वीडियो के नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आप मार्क दबाइए, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरी जो ऑडियो है वो वीडियो से शॉर्ट है, तो इसलिए मैं इसके साथ एक और ऑडियो जो है वो लगाता हूँ। तो वही दूसरा जो है
ये वाला दोबारा लगा देते हैं इस पर, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गया है। अब जो है ये थोड़ा सा कम है, अगर तो आप दोबारा प्लस का निशान दबाइए, ये देखिए ये क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप इसकी साइज जो है डोंट वरी, आप इसकी साइज आसानी से जो है वो कम कर सकते हैं वीडियो के मुताबिक। ये आप देख सकते हैं इसकी साइज जो है वो कम हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और आपकी जो वीडियो है उसकी आप जो है वॉइस जो है वो यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। ये है मिडल वाला जो के ये येलो बॉर्डर जिस पर आया है, यहाँ ये दबाइए। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये है मेरी वीडियो। तो इसकी जो साउंड है वो आप बिल्कुल ऑफ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, मेरे पास तीन ऑप्शन है टॉप में, एक है मिडल वाला, एक मेरे राइट साइड पर है स्पीकर का निशान जो है, आप ये प्रेस करें, ये यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ा सकते हैं आसानी से, ये देखिए ये। इसके बाद आपने नीचे जो ऑडियो लगाई है, अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी वॉल्यूम जो है वो स्लो हो या ये तेज़ हो, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या फास्ट कर सकते हैं। तो या ये ऑडियो पर क्लिक करें, ये है, आप दोबारा ये स्पीकर के निशान पर, ये यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं आसानी से। तो वॉल्यूम हम इस पर थोड़ा सा स्लो लगा कर चेक करते हैं, ये देखिए। इसमें एक मेन पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लिक करें, ये यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है रिवर्ब वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर में कौन कौन से ऑप्शन है तो चलो चेक करते हैं, ये देखिए। यहाँ से आप अपने जो वॉल्यूम आपने नीचे ऑडियो लगाई है उसकी जो वॉल्यूम है वो आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। ये यहाँ से वॉइस चेंज जो है वो इजीली हो सकता है। चलिए, अगर इसके बाद आपको अपनी वीडियो के मिडल में या एंड पर कोई सा भी टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकता है। दोबारा आइए लेयर पर, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट दबाइए, ये यहाँ पर आप जो चाहे अपनी मर्जी से टाइप करें। तो चलो हम टाइप करते हैं सब्सक्राइब माय चैनल, ये आप देखिए। तो यहाँ से फिर आप इसकी जो है वो साइज इजली, ये देखिए, ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो शेप हो वो चेंज हो टेक्स्ट की, तो यहाँ पर आप येलो जो है ये टेक्स्ट दबाइए, ये ऑप्शन ये आप देख सकते हैं, ये। अगर आप चाहते हैं कि ये कुछ अलग डिज़ाइन में दिखे तो आप ऊपर जो है मेरे पास ऑप्शन है ये ए डबल ए जो है ये आप ये दबाइए, ये यहाँ से जो है इसकी आप
वो फ्रंट जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम कोई सा भी एक लगा कर चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो टाइपिंग है उसकी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें कि मेरी जो टेक्स्ट हो उसका कलर भी चेंज हो तो यहाँ पर ये टेक्स्ट दबाइए। ये यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, या देखिए यहाँ पर सबसे नीचे है बैकग्राउंड कलर, ये दबाइए, ये इनेबल कर दें। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहे कि ये और भी डार्क हो तो यहाँ पर आइए, इसमें आप कोई भी सारे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ब्लैक सेलेक्ट किया है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिज़ाइन भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर दोबारा आइए, ये क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद मेरे पास है इन एलिमिनेशन, ओवरऑल एलिमिनेशन, आउट एलिमिनेशन, इसमें आप अपनी मर्जी के जो है वो डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो चलो ये चेक करते हैं, यहाँ पर आप अपनी मर्जी के, ये आप देखिए ये या ये वाला या ये, तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इजीली। इसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने जो वीडियो है के बीच फोटो लगानी है तो यह दोबारा लेयर पर आइए, लेयर पर आने के बाद मीडिया दबाइए, मीडिया पर आने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी के जो है वो पिक लगा सकते हैं। चलो हम ये वाला ट्राई करते हैं, ये मेरा आ गया है पिक। ये पिक मेरा आ गया है। यहाँ से आप इसकी साइज जो है वो कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहे तो इसका इफेक्ट जो है वो इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चलो दोस्तों अब हम अपने वीडियो को चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। तो यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है, ये दबाइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा हाई है तो हम इसको लो करते हैं। यहाँ से अब चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने देख सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल रेडी है YouTube के लिए। तो इसके बाद आप अगर इसको सेव करना चाहे तो ये है मेरे पास शेयर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर आप ये दबाइए। ये यहाँ पर आप इसकी जो है वो HD क्वालिटी में चाहे तो भी बना सकते हैं। अगर यहाँ से आप इसकी जो है वो साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए जितनी साइज़ बड़ी होगी उतनी ही आपकी वीडियो जो है वो HD क्वालिटी में आएगी। इसके बाद आप ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है पर क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो अब
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।